नव निर्मित स्वास्थ्य केंद्र में करंट आने से अचनीरा कस्बे में मची अफरा तफरी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थानांतरण से पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुकेश बस तथा सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने जब निरीक्षण किया तो निरीक्षण के दौरान केंद्र के ऊपरी मंजिल पर स्थित कक्षों के बीच में लगाई गई वायरिंग में करंट आने से निरीक्षण कर रहे चिकित्सक बाल बाल बच गए। निरीक्षण के दौरान दर्जनों की संख्या में कमियां पाई गईं, इनको दुरुस्त करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दिए। अचनीरा कस्बे में स्टेशन रोड स्थित 30,000 नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 550 लाख रुपए की लागत से किया गया है। निर्माणदायी संस्था आवास विकास परिषद है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दो मंजिला मुख्य इमारत में 58 से अधिक कक्ष तथा 4 दर्जन स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण किया गया है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया के तहत मंगलवार शाम 4 बजे मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुकेश वस्त तथा सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने जब निरीक्षण किया तो ऊपरी मंजिल पर लगी वायरिंग में करंट दौड़ रहा था। निरीक्षण के दौरान एक चिकित्सक का हाथ लगने पर जब करंट लगा तो अफरा तफरी मच गई। स्वास्थ्य केंद्र के अधिकतर कक्षों में से प्लास्टर जड़ रहा था, कई खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अधिशासी अभियंता रूपचंद से शीघ्र कमियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान CMO डॉक्टर नंदन सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी शरद चंद केसरी, विपिन विहारी मिश्रा आदि मौजूद रहे। निरीक्षण किया। क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण सिंह। तो आज अचनीरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ तैयार हुआ है और इसको हैंडओवर कैसा लगा आप जनता के लिए? चालू हुआ तो जनता के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इससे आगरा जाने की प्रॉब्लम खत्म होगी, सारी समस्याएं दूर होंगी। तो ये जो है अभी एक आध महीने में ये सही कर देंगे, तो इसके बाद हैंडओवर लेके CMO साहब तो ये चालू कराएंगे। अच्छा, जनता को सुविधा अच्छी मिलेगी इससे? जनता को बहुत बढ़िया सुविधा मिलेगी। जनता यहाँ बहुत परेशान रहती है, जो रात को आगरा भागना पड़ता है पब्लिक को, वो नहीं जाना पड़ेगा, सारी समस्या यहीं दूर हो जाती है। रामा हॉस्पिटल का ये हैंडओवर करने लिया है तो क्या क्या सुविधा पाई है? जो कमियाँ हैं वो सारी लिखा दी गई हैं, 20-25 पॉइंट हैं, और ये बता दिया गया है कि ये सारे पॉइंट जब तक एक एक पॉइंट में देखूंगा आके दोबारा, जब ये कवर हो जाएंगे तभी मैं बिल्डिंग का हैंडओवर होगा। जनता को कब तक इसकी सुविधाएं मुहैया हो पाएंगी? जनता को तभी हो जाएगी जब ये हैंडओवर कर देंगे, उसके बाद से फिर थोड़ा बहुत कितना भी टाइम, थोड़ा सा कितने दिन का टाइम लगेगा यही बताएंगे इंजीनियर साहब, बहुत कितना टाइम लग जाएगा? एक सितंबर तक एक सप्ताह में। जो अच्छे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया है इसको हैंडओवर करना था, क्या क्या नियमता पाई है इसमें? देखिए, जो कई जगह प्लास्टर की है और सिस्टम जो है दूसरी कंपनी के लगे हुए हैं, जबकि हिंदवेयर का सिस्टम सब जगह लगा है, वाशबेसन लगा है, सीट लगी है, सिस्टम दूसरी कंपनी का लगा है, प्लास्टर जगह जगह से चढ़ रहा है, तो अभी बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हुई, बन के तैयार हुई है तो इतनी जल्दी प्लास्टर, एक जगह करंट भी आ रहा है, तो ये जो व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं वो सब CMO साहब के साथ जो CMO थे उन्होंने नोट कर लिए हैं और पूरी एक रिपोर्ट बना के वो ठेकेदार को सौंपेंगे, एजेंसी को सौंपेंगे, और एजेंसी उसको बहुत जल्दी ठीक करेगी। ठीक करने के बाद ही तभी हैंडओवर होगा जब बिल्कुल सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि एक बार हैंडओवर होने के बाद फिर वो स्वास्थ्य विभाग के पास रहेगा और स्वास्थ्य विभाग के पास फिलहाल नया हॉस्पिटल बनने के वजह से कोई उनके पास ऐसा धन नहीं होगा, आवंटन नहीं मिलेगा सरकार से जिस पर कि जल्दी कोई मरम्मत जैसा कार्य हो सके। तो जो जो एस्टीमेट के अनुसार कार्य होना है उस कार्य के अनुसार एजेंसी पूरा निर्माण कार्य करके देगी, तभी हैंडओवर होगा और उसके बाद इसका मान्य सांसद जी के हाथों लोकार्पण भी होगा। कितनी लागत लगी होगी इसकी? ये 5.5 करोड़ की लागत से बना है और लगभग 3 साल इसको बनने में लगे हैं, तो ये जनता के लिए बहुत अच्छी सहूलियत देने वाला है, लेकिन कुछ इसमें कमियां जो रह गई हैं उन कमियों को बहुत जल्दी दूर होके, और मैं समझ रहा हूं कि दीपावली तक जनता को इसको समर्पित करेंगे, और जनता को समर्पित होगा तो जनता को यहां आयुष्मान जैसी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा और यहां लोग अपना अच्छा उपचार भी करा पाएंगे।